तो पहला टॉपिक बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। मान लो मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, मुझे मुड़ना है, तो क्या करूँ? बस हैंडल मोड़ दूँ, गिर जाऊँगा। आप 100% गिरोगे, गिर जाओगे। तेज़ जा रहा हूँ, बहुत तेज़ जा रहा हूँ, और हैंडल मोड़ दूँ, गिरूँगा। तो क्या करूँगा? अपने आप को थोड़ा सा बेंड करूँगा। सर बेंड करते ही हैं। क्यों बेंड किया इसको समझते हैं। सपोज एक वर्टिकल लाइन है, सड़क है, और ये साइकिल का टायर है, और ये हैंडल है, और पीछे की तरफ साइकिल है, और मैन इसके ऊपर बैठा है। तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? मैन का वेट नीचे, क्योंकि अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, मैं टेढ़ा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा, तो ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है आर। तो मैंने वर्टिकल के साथ कहाँ बेंड किया? थीटा। अब बेंडिंग होती कैसे है? मान लो मेरे को इस चक्कर में घूमना है, मेरे को ऐसे चक्कर में घूमना है, तो बेंडिंग भी सेंटर की तरफ होगी। अगर मेरे को ऐसे राउंड अबाउट घूमना है तो बेंडिंग ऐसे होगी, अगर मुझे ऐसे घूमना है तो बेंडिंग ऐसे होगी। तो यानी कि अगर मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ तो मेरे सर्कल का सेंटर यहाँ मिलेगा, और अगर मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ सर्कल का सेंटर यहाँ मिलेगा। तो अगर मैंने ऐसे बेंड किया सर्कल का सेंटर यहाँ मिलेगा, तो इस सेंटर के आसपास साइकिल वाला घूमेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नॉर्मल रिएक्शन आर, एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से आर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। अब साइकिल वाला ना ऊपर गिर रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल ऊपर नीचे में तो स्टेबल है, तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी। आर कॉस थीटा एम जी। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी, साइकिल वाला अगर सर्कल में घूमना चाहता है तो साइकिल वाले को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो प्रोवाइड करे, और वो फोर्स कहाँ एक्ट करती है? टूवर्ड्स सेंटर। पहला तरीका सेंट्रिपिटल फोर्स का, साइकिल वाला कहता है सर मैं तो घूम नहीं सकता, बेंड वूंड नहीं आता मेरे को करना। फिर क्या करोगे? आप जाओ साइकिल वाले को उठाओ और ऐसे सर्कल घुमा दो। और क्या करोगे? जाके छोटे बच्चे की तरह यहाँ सर्कल घुमाओगे तो घूमेगा। यानी कि आपने क्या प्रोवाइड की? सेंट्रीपिटल फोर्स। हर बार तो आप नहीं घुमाते ना, अब वो जा खुद ही कर ले, तो खुद करने के लिए क्या करेगा? बेंड। क्योंकि जब वो बेंड करेगा तो आर साइन थीटा फोर्स ऑटोमेटिकली कहाँ लगेगी? टूवर्ड्स सेंटर। और आर साइन थीटा फोर्स जो टूवर्ड्स सेंटर है विल एक्ट लाइक सेंट्रिपिटल, तो ऑटोमेटिकली यही फोर्स उसको क्या मिल गई? एज अ सेंट्रिपिटल। तो आर साइन थीटा क्या? एम वी स्क्वायर बाय आर। मानो वी वेलोसिटी साइकिल वाला घूम रहा है और आर रेडियस में घूम रहा है, तो ये एक्ट करेगी सेंट्रिपिटल। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को डिवाइड कर लो, आर से आर कैंसिल, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको साइकिल वाले की वेलोसिटी दूंगा, रेडियस दूंगा, जी दूंगा। मान लो आंसर वन आता है, टेन थीटा वन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 45, तो साइकिल वाला 45 डिग्री में मुड़ेगा तो वो सर्कल काट जाएगा। ठीक है यहाँ तक? और थीटा टेन इनवर्स में लिख सकते हो, ये पॉइंट क्लियर है। अब इमेजिन करो कि आपके पास जो है साइकिल वाला बेंड हुआ, बेंड होके वो क्यों बेंड हो रहा है? अगर वो बेंड ना होता तो आर कहाँ कहाँ रहता? ऊपर। सेंटर की तरफ फोर्स क्या होती? जीरो, क्योंकि साइन थीटा जीरो होता तो आर साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये वैल्यू जीरो हो जाती। तो यानी कि बिना बेंड किए साइकिल वाला सर्कल में घूम नहीं पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज अ केस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट।